चलिए सर शुरू करते हैं। बिल्कुल सर शुरू करते हैं। मेरा सारे सवालों के जवाब जवाब दूंगा मैं आपको। कौन से ऑथर की बुक करनी है, क्या टाइमिंग क्लासेस की रहेगी, क्या सपोर्ट में कैसे कैसे आप लाइक यू कैन रीज रेज योर क्वेश्चंस टू मी, सारी चीजें मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। सर प्लीज पीडीएफ भेज देना बुक की प्लीज सर। तो मेरा सारे के सारे नोट्स आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे नोट्स आपके कंटेंट सेक्शन में पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होंगे, एज इट इज होंगे। बुक भी आपको मैं बता दूंगा कि आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा सारी की सारी क्लासेस एज इट इज रिकॉर्डेड फॉर्म में और आपके पीडीएफ सेक्शंस में, कंटेंट में पीडीएफ सेक्शन में एज इट इज आपकी क्लास वाइज और कंटेंट चैप्टर वाइज अपलोड हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी। सो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको फिर से दे देता हूँ। लाइक आई होप आप लोगों ने फर्स्ट क्लास देखी होगी, ये हमारी दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हम थोड़ा सा जीएसटी के बारे में हमने देखा कि हमारे सिलेबस में जीएसटी में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, कौन सा चैप्टर, कितनी यूनिट्स हैं, कितने हमारे चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, और उसके साथ साथ वो यूनिट्स कितने नंबर की आने वाली हैं, वो टॉपिक्स कितने नंबर के आने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में ये कवर किया था। मैं आपको फिर से हल्का सा बैकग्राउंड दे देता हूँ बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जीएसटी में हमारी टोटल कितनी यूनिट्स हैं, हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 5 है बेटा। 5 में हमारा 4 टोटली डेडिकेटेड हैं जीएसटी को लेकर के, विच मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और 5वीं यूनिट जो हमारी है वो कस्टम को लेकर के डेडिकेटेड है, पूरी की पूरी यूनिट्स हमारी। तो पूरी की पूरी जीएसटी इन कस्टम में 5 यूनिट है। पांचों के अंदर डिटेल्ड वाइज यहाँ पे मैंने बताया कि क्या क्या आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके सिलेबस का पार्ट है, और मैंने इस स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करी है। बेटा प्लीज अभी हैंड रेज मत करिए, ठीक है? एक बार स्टार्ट कर ले, हम रिदम में आ जाएं। क्वेश्चंस होंगे ऑफ डेफिनेटली आई विल टेक द ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपके जो जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो प्राइमरीली फ्रॉम लास्ट ईयर लाइफ लास्ट 5 ईयर की अगर मैं बात करूं तो कितने कितने नंबर्स का क्वेश्चन उसमें से पूछा गया है। तो ये मैंने पूरा एक एनालिसिस किया था कि किस अटेम्प्ट में कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आया। तो उन सबको जब मैंने एवरेज आउट किया देन आई फाइंड आउट कि ये टॉपिक्स आपके जो हैं वो एवरेजली इतने नंबर के आते हैं, ठीक है? और सिमिलरली ये पूरी कंटिन्यूशन में स्लाइड है आपकी। तो जीएसटी का ये रहा और कस्टम का आपका ये रहा कि किस प्राइमरली सारे क्वेश्चंस या टॉपिक्स कितने कितने नंबर्स के जनरली उसमें से आते हैं, ठीक है? तो बेटा हमारी जो क्लासेस होने वाली है वो लाइक कॉन्सेप्चुअल होंगी पूरी की पूरी। मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा कि चीजें कहाँ से ओरिजिनेट हुई और कहाँ पे आके पहुंची, आज की डेट में हम जीएसटी में क्या करते हैं, कैसे होता है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के पर्सपेक्टिव से भी हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? बेटा क्या वीडियो सबको लैग कर रही है या लतिका आपके साथ है सिर्फ? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या वीडियो सबको लैग कर रही है या सिर्फ एक बच्चे को कर रही है। रतिका बेटा एक बार आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, प्रोबेबली थोड़ा सा नेट का इश्यू होगा आपके। एक बार देख लीजिए, ठीक है? ये बेटा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्या क्या में, ठीक। उसके बाद मैंने आपको एक चीज दी कि टैक्स, मैंने आपको ये बताया था कि टैक्स टैक्स सरकार है उसको अपने देश को या राज्य को चलाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट चाहिए होता है, एक बजट चाहिए होता है। बजट की फॉर्म में वो पैसे कहाँ से आते हैं, जैसे बजट चाहिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पे मुझे इतना पैसा खर्च करना है, या लाइक सब्सिडी पे पैसा खर्च करना है, सोशल वेलफेयर पे इतना पैसा खर्च करना है, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो बेटा पैसे का जो आना है वो एक फॉर्म है उसकी टैक्स।
टैक्स दो फॉर्म दो तरीके से लिया जाता है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट टैक्स तो आप करके देते हैं बेटा। हेलो हेलो बेटा, वॉइस क्लियर है अभी? ठीक है बेटा वॉइस? बेटा इज इट ओके नाउ, प्लीज कंफर्म। अच्छा ठीक बेटा, कुछ बच्चों को क्लियर है, कुछ को नहीं क्लियर है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि टैक्सेशन जो बेसिकली सरकार को अपने देश को या राज्य को या अपने स्टेट को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो एक तरीका है सरकार के पास कि वो टैक्सेस को लेवी करके कलेक्ट करती है। तो टैक्सेस बेटा दो तरीके से सरकार लगाती है, ये पूरा का पूरा जो आपका है। डायरेक्ट टैक्स जो बेटा प्राइमरीली होता है आपका, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है। आई विल लेट यू नो कि बेटा जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, उसकी पावर्स कहाँ से आती हैं। लाइक ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये पता कैसे चलता है हमें? कहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं, इसको इसकी पावर कौन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? ठीक है, वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक तो बेटा हो गया आपका इनकम टैक्स, दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब सो बेसिकली वन इज डायरेक्ट टैक्स, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स इज बीइंग लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका जीएसटी है, इट इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस एस, मींस सेंट्रल एंड स्टेट। तो जीएसटी को बेटा दोनों लोग लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, और उसका आधा आधा हिस्सा आपस में बांट देते हैं ये लोग। हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आधा ही क्यों, कहाँ पे आधा है कहाँ पे नहीं है, सारी चीजें भी देखेंगे। बट अभी आप ऊपर से समझ लीजिए कि ये जीएसटी जो है वो सी प्लस एस में जाता है, ठीक है, सेंट्रल प्लस स्टेट में। ठीक है, और एक आपका आता है कस्टम लॉ। कस्टम लॉ मतलब कस्टम ड्यूटी। अगर कस्टम लॉ की बात करूं तो लॉ तो एक पूरा है कि जहां पे लिखा गया है बेटा कि चीजें यहाँ पे कैसे कैसे मॉनिटर की जाएंगी या कैसे कैसे टैक्स लगाया जाएगा, बट उसको हम नाम देते हैं कस्टम ड्यूटी का। ठीक है, कस्टम ड्यूटी कहाँ पे लगाई जाती है? जब भी आप बाहर से सामान लेकर के आते हैं, बाहर मतलब इंडिया की टेरिटरी को छोड़ के, एक्सटर्नल टेरिटरी मतलब फॉरेन की टेरिटरी से सामान इंडिया में लेके आते हैं, तो जो भी सामान आप लेके आ रहे हो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपका बेटा जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। ठीक है, ये भी आपके आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है बेटा। ठीक है, ये छोटी सी चीज बेटा आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक बार एक चीज समझा बताना चाहता हूँ। आई गेस आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर क्लास का मिल गया होगा कि क्लासेस कब कब हमारी कैसे कैसे होंगी। तो बेटा हमारी क्लासेस जो हैं वो सैटरडे एंड संडे। ठीक है बेटा, सैटरडे हमारी क्लास 2 आवर्स की होगी और संडे हमारी क्लास 2 आवर्स की होगी। ठीक है बेटा, तो हमारी टोटल एक हफ्ते में 4 घंटे की क्लासेस होंगी, सैटरडे एंड संडे। हमारा सिलेबस प्रोबेबली हमारा अप्रैल एंड तक सारा सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा, अप्रैल मिड तक, सॉरी अप्रैल मिड तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी है, क्लास में जो भी क्वेरीज होंगी वो हम क्लास में एंटरटेन करेंगे। अगर क्लास के अलावा जब आप तैयारी कर रहे होंगे, कुछ रिवीजन कर रहे होंगे, आपको उस टाइम पे कोई डाउट है बेटा, तो आप उस डाउट को, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा आपको, मैं टीम को बता दूंगा कि आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। आप उस व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। प्लीज मेक श्योर टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। उस व्हाट्सएप कॉल पे नो कॉल्स कॉल्स मत करना बेटा, क्योंकि वो फिर
बाकी बच्चों की क्वेरीज मिस आउट हो जाएंगी। तो आई विल अप्रिशिएट कि आप लोग अपनी क्वेरीज को सिर्फ मुझे टाइप करके भेजिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी विद इन 24 to 48 आवर्स मैक्स टाइम बेटा बता रहा हूँ ये, मैं उससे पहले ही सॉल्व कर दूंगा। ये मैं आपको एक ऐसा बेंच टाइम बता रहा हूँ जो आप इतने टाइम में आपकी क्वेरी सॉल्व हो ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सैटरडे संडे 2 घंटे अप्रैल मिड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा बेटा। और कोई भी क्वेरी होगी आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास तक भेज सकते हैं। कॉल्स मत करना प्लीज, टाइप करके भेज दीजिए, वॉइस नोट भेज दीजिए, एनीथिंग विल वर्क। ठीक है, बस हाँ वो व्हाट्सएप नंबर अपने दोस्तों में सर्कुलेट मत करना, वरना आप लोगों की क्वेरीज पीछे चली जाएंगी, क्योंकि क्वेरीज वो भी पूछेंगे तो आपकी क्वेरी पीछे उनकी क्वेरी पहले वो हो जाएगा, तो वो मत करना, एथिकली भी गलत है बेटा वो। ठीक है ठीक है, ये चीज हो गई बेटा। अभी हम चलते हैं अपने आगे के कंटेंट के ऊपर। तो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो पावर होती है ना सरकार के पास टैक्स लगाने की, वो कहाँ से आती है? जो पावर है सरकार के पास कि ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी या फिर ये स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी या फिर कौन लगाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है? तो बेटा इसके लिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इसके लिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है बेटा। मैं बुक भी बता दूंगा, थोड़ा शांति रखिए, बुक कभी है यहाँ पे, एक सेकेंड मैं आपको बुक भी बता दूंगा, दिखा भी दूंगा कि बेटा ये वाली बुक आपने प्रेफर करनी है। ठीक है, तो अभी हम आगे चले, प्लीज बुक में बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो जो बेटा कोई भी देश जो चल रहा है, देश जो पूरा हमारे हमारा भारत देश जो जो वो चल रहा है, वो किस किसकी डायरेक्शन पे चल रहा है? तो बेटा सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। जो भारत का संविधान है, जो हमने परसों अभी कल गणतंत्र दिवस था, हमने हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मनाया, वो किस लिए मनाया? उसी दिन हमारे देश के संविधान को अडॉप्ट किया गया, उसी दिन हमारे देश के संविधान को अडॉप्ट किया गया था बेटा। ठीक है, तो संविधान में एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक चीज कि अगर कोई गलती करेगा तो कहाँ जाना है, कोई कोर्ट में किसी तरीके से बहस करनी तो कहाँ जाना है, या फिर टैक्स की बात करूं अगर तो टैक्स की रूपरेखा कैसे डिसाइड होगी, कौन उसमें कैसे कैसे रोल प्ले करेगा, वो सारी चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हुई हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कि हर पन्ने पे लिखा हुआ है? नहीं, तो वहां पे एक हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 265, आर्टिकल है 265, मतलब अगर आप संविधान को ओपन करेंगे वहां पे 265 आर्टिकल पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये लाइन लिखी हुई मिलेगी। तो वहां पे क्या लिखा गया है बेटा कि कोई भी टैक्स, नो टैक्स लिखा बेटा, नो टैक्स लेवी मतलब चार्ज नहीं किया जा सकता जब तक उसको कानून का दर्जा ना मिले, जब तक उसको कानून का दर्जा ना मिले। बहुत हिंदी बता रहा हूं बेटा, हमारी क्लासेस बेटा इंग्लिश में चलेंगी, इंग्लिश प्लस हिंदी, कहीं भी समझ में ना मुझे बता देना, मैं दोनों चीजें बता दूंगा आपको। तो अगर मैं बोलूं कि टैक्स लेवी करना है तो क्या बेटा रात को कोई सोया, जैसे मान लो मैं अथॉरिटी की बात करूं, रात को वो सोए सुबह उठे कि टैक्स लगा दो, ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, अभी 1 अप्रैल सॉरी 1 फेब 2024 को देश का इंटरिम बजट आने वाला है। ठीक है, देश का इंटरिम बजट आने वाला है, ध्यान रखना ये फुल बजट नहीं होगा, इंटरिम बजट होगा, क्योंकि देश में हमारे इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के, सेंट्रल मिनिस्ट्री के। ठीक है, वो इलेक्शन आने वाले हैं तो उसकी वजह से इंटरिम बजट आएगा। अब ये इंटरिम बजट होता क्या है बेटा? इंटरिम बजट क्या होता है? इसमें ऐसी कोई भी फैसिलिटी अनाउंस नहीं की जाएगी जिससे वोटर्स को लुभाया जाए, ठीक है, जिससे वोटर्स को अट्रैक्ट किया जाए, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा वो काम नहीं है कि हमें वोटर्स को क्या करना है क्या नहीं करना, मेरा काम है आपको बताना कि वो ये होगा कि कैसे, ये लॉ कैसे बनेगा। जैसे बोला जाए कि जीएसटी के ऊपर जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उसका बेटा जीएसटी रेट जो है वो 18% है,
ठीक है, 18% फ्लैट है, ठीक है। अब सरकार ने बोला कि इसको 18 ना करके 10 कर दो, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, 10% कर लेते हैं। बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बोला कि इसको 10% कर देते हैं, तो क्या वो सेम डे से इफेक्टिव हो जाएगा? अगर बजट में मान लो 1 तारीख को निर्मला जी आएंगी, उन्होंने बोला कि प्रोफेशनल सर्विसेज पे जो जीएसटी रेट है वो 10% हम कर रहे हैं, तो क्या वो एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन होती है बजट में, सिर्फ एक रिकमेंडेशन कि हम ऐसा प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी तक लॉ नहीं बना है। जैसे ही वो लॉ बन जाएगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बेटा सपोज करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लॉ बनता कैसे है, आज फिर से बताता हूँ कि सपोज करते हैं निर्मला जी ने जीएसटी का रेट 10% कर दिया, ठीक है, तो वहां पे फिर क्या होगा, वो लोकसभा में उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। एक्सेप्टेंस मतलब उसको जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस कैसे होती है, जैसे सपोज करते हैं हमारे एक्टिव पार्लियामेंट ऑफ मेंबर 542 हैं, तो मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब 1/3, सॉरी 75%, सॉरी, जैसे ही ये लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, माना जाता है कि लोकसभा में वो पास हो गया, ठीक है। जैसे ही यहां से पास होता है बेटा, ये पूरा बजट जो होता है वो जाता है राज्यसभा में, सेम प्रोसेस बेटा यहां भी होगा। जितने भी सिटिंग एमपीज होंगे वो इसको या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तो जनरली उसको एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे ही ये यहां से एक्सेप्ट होगा फिर ये जाएगा हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास, हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास जाएगा ये बेटा, ठीक है, हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जैसे ही हमारे देश की प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर कर देंगी, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जैसे ही वो उसको सिग्नेचर कर देंगी उस दिन से ये लॉ बन जाता है। तो लॉ बनने का प्रोसेस क्या है बेटा, उसको लोकसभा से पास होना पड़ेगा, राज्यसभा से पास होना पड़ेगा, और फिर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होंगे, तब जाके भी कोई कानून कानून बनता है। यहां पे क्या देखा बेटा हमने, क्या लिखा हुआ है, नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो लॉ में ना हो, ठीक है, क्लियर होगी बेटा बात, समझ में आ गई। इनफैक्ट इट प्रोहिबिट्स आर्बिट्री कलेक्शन। आर्बिट्री क्या होता है, इमेजिनरी है ना, तो आर्बिट्री कलेक्शन नहीं कर सकते आप, समझ गए, उसको तो फिर वही बोल देंगे ना कि भाई क्या कहते हैं, छीना झपटी चोरी, समझ रहे हैं आप, वो नहीं हो सकती। सरकार ने जो बोला कि इस पे टैक्स लगेगा वही हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा एक पावर कहां से मिलती है सरकार को, आर्टिकल 265 से। दूसरा बेटा क्या है, आर्टिकल 245, ये क्या कहता है, आर्टिकल 245 क्या कहता है बेटा, कि दिस आर्टिकल प्रोवाइड द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। यहां पे क्या बोला बेटा मैंने, कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी होल ऑफ इंडिया के लिए, पूरी इंडिया के लिए बनाएगी बेटा, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए बना सकती है, अपने स्टेट के लिए। अब बेटा एक बात बताओ, क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हरियाणा के लिए लॉ बना सकती है, बताइए, क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हरियाणा के लिए टैक्स बना सकती है, बताइए बेटा। बेटा ध्यान से समझना, बहुत टेक्निकल चीजें चल रही हैं, अगर आपको यही समझ में नहीं आएगी टैक्स लगा कौन रहा है तो हम आगे नहीं जा पाएंगे।
ठीक है। तो हमारा जो ये जीएसटी का बेटा सिलेबस है, ये थ्योरी कम प्रैक्टिकल है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको थ्योरी समझ में आएगी तभी जा करके आप प्रैक्टिकल कर पाओगे, डायरेक्टली आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेटा मुझे बताना, क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट के लिए टैक्स बना सकती है या लगा सकती है कि सुबह योगी जी उठे कि नहीं जी हरियाणा वालों से भी ना जीएसटी ले लो, समझ रहे हो, उनसे टोल ले लो, वो हमारे देश में आ रहे हैं, हमारे इसमें आ रहे हैं, टोल एक अलग चीज है, आप टोल रोड इस्तेमाल करोगे कोई भी हो टैक्स लगेगा, टोल लगेगा, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बोल सकती है नहीं, हरियाणा में जो सर्विसेज आएंगी उस पर जीएसटी ले लो आप? नहीं हो सकता बेटा, योगी जी अपने यहाँ पे लगाएंगे और खट्टर जी अपने यहाँ पे लगाएंगे, इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आता है हमारे, मोदी जी, निर्मला जी, या जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो चाहे तो पूरी पूरे के पूरे देश पे टैक्स बना सकती है वो, दे शी हैज अ पावर। वो पावर कहाँ से आती है बेटा? वो पावर आती है आर्टिकल 245 से, ठीक है, वो पावर आती है 245 से। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं आर्टिकल 246 क्या कहता है। मेरा आर्टिकल 246 कहता है, द अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉ एंड लेवी टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय आर्टिकल 246 द पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक लॉज फॉर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट। सेम चीज बता रहे बेटा, लेकिन डिफरेंट क्या, डिफरेंस क्या दोनों के अंदर, दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जी ठीक है बेटा, पहला सवाल लेते हैं ऋषु का। ऋषु कह रहे हैं, सर पंजाब और हरियाणा की कैपिटल तो सेम है, फिर वहां पे लॉ कैसे वर्क करता होगा? सो बेटा, पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट दोनों अलग अलग हैं, उनकी कैपिटल वो लोग शेयर करते हैं। तो जो चंडीगढ़ के अंदर है ना बेटा, चंडीगढ़ के अंदर है, जो चंडीगढ़ आप कैपिटल की बात कर रहे हो, तो लॉ जो है वहां पे, जब जीएसटी की बात की जाए तो चंडीगढ़ जो है ना बेटा, चंडीगढ़ इज अ यू सॉरी इज अ यूनियन टेरिटरी। आप चंडीगढ़ की बात कर रहे हो, तो चंडीगढ़ बेटा जो है मेरा वो यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है बेटा। ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है, उस पर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जैसे कि हमारा दिल्ली। ठीक है, बट दिल्ली की एक अलग डेफिनेशन है, उस पर हम बाद में आएंगे, बट हमारा चंडीगढ़ होल्ड कोर हमारा सेंट्रल यूनियन टेरिटरी है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, एक बच्चे ने पूछा लेवी का मतलब क्या। बेटा लेवी का मतलब जैसे होता है कि चार्ज करना, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि टैक्स को, टैक्स जो होता है ना बेटा, अगर मैं एक लेमेन लैंग्वेज में बताऊं तो टैक्स को हमेशा लेवी किया जाता है। ठीक है, चार्ज किया, लगाया जाता है, लेवी मीन्स लगाना। सर ये आर्टिकल किस एक्ट का पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बिल्कुल सही बेटा, सही बताया बेटा, जिसने बताया, क्या नाम है, साहिल ने बताया बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, जो हमने मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो टैक्सेशन के प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो ये हैं बेटा। ठीक है, सो बेटा अब हम बात करते हैं बहुत स्पेसिफिक, एक तो हमने जनरल बात की आर्टिकल 265, 245, 246। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। आगे बात कहता है बेटा, 246 की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब टैक्स का कौन सा टैक्स कौन कैसे लगाएगा वो बताओ, टैक्स कौन और कैसे लगाएगा वो बताओ। तो बेटा आर्टिकल 246 में एक सेवन शेड्यूल है, वहां पे तीन लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। ठीक है, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। लिस्ट वन के अंदर बेटा क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स बनाने की। जैसे बात करूं तो एग्जाम्पल दूं अगर, तो इनकम टैक्स, जैसे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, रेलवेज, हाईवेज, करेंसी, आरबीआई, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, टैक्स ऑन, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, जो मैंने आपको ये बताया इनकम टैक्स,
ड्यूटीज ऑफ कस्टम, जैसे हम पढ़ने वाले हैं कस्टम ड्यूटी, हमारा जो यूनिट 5 है वो, और कॉरपोरेशन टैक्स। तो बेटा कॉरपोरेशन टैक्स इज नथिंग बट अ इनकम टैक्स, द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोलता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब स्पेसिफिक राइट, सिर्फ उसी के पास है ये, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर कवर्ड इन दिस लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट में जो जो चीजें लिखी हुई हैं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उसके ऊपर टैक्स लगाने की, ठीक है। अगर मैं लिस्ट 2 की बात करूं, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा भी है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और लिस्ट 2 की बात करूं तो स्टेट लिस्ट, इट कंटेन्स द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट। बेटा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ इसके पास है, ठीक है। दीज मैटर्स इंक्लूडेड पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल, बुरियल एंड बुरियल ग्राउंड्स, क्रिमेशन ग्राउंड्स, लाइब्रेरीज, वाटर, फिशरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग एटसेट्रा। तो बेटा अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि नहीं, गैम्बलिंग के ऊपर ना हमें जीएसटी का रेट बढ़ाना है, गैम्बलिंग के ऊपर हमें जीएसटी का रेट बढ़ाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है, स्टेट के पास पावर है वो कर लेगी। लेकिन अगर बात की जाए कि जो गैम्बलिंग से पैसा आएगा, जो गैम्बलिंग से पैसा आएगा, उस पैसे पे जो इनकम होगी उस पे इनकम टैक्स कैसे लगाया जाएगा, वो पावर किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। समझ आ गई बात बेटा, कि अगर गैम्बलिंग से जो इनकम बन रही है उस पे जो टैक्स लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, लेकिन अगर गैम्बलिंग पे स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाना चाहती अपना, वो लगा सकती है, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है हमारा तीसरी लिस्ट, लिस्ट 3, कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या कहती है, इट कंटेन्स द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर्स टू मेक लॉज। दिस लिस्ट इंक्लूड्स क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल प्रोसीजर्स, मैरिज एंड डिवोर्स, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग पार्टनरशिप, एजेंसी, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स एटसेट्रा। सो बेटा लिस्ट 1 क्लियरली बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट 2 बोलती है स्टेट गवर्नमेंट, लिस्ट 3 क्या बोलती है, लिस्ट 3 बोलती है जहां पे दोनों लोग आ सकते हैं साथ। उसके एग्जांपल क्या दिए गए कि अगर मान लो कोई पार्टनरशिप बनानी है या कोई एजेंसी बनानी है, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी का कुछ बनाना है, तो वहां पे लिस्ट 3 के अंदर पावर दी गई है। वहां पे पावर कहां दी गई है, लिस्ट 3 के अंदर। बेटा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से शायद ये इंपॉर्टेंट आपको ना लगे, शायद एग्जाम में भी चीजें पूछ ली जाती हैं कि पावर कहां पे है, ठीक है। और वाई आई एम पुशिंग अ लॉट मोर ऑन दिस, बिकॉज दिस इज द बैकग्राउंड, द अंडरस्टैंडिंग कि ये चीजें कहां से पावर आ रही है। फिर हम चलेंगे जीएसटी के बैकग्राउंड पे, जीएसटी कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई बेटा, अब हम चलते हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट ना हो तो हम आगे चल सकते हैं बेटा, कि टैक्स लगता कैसे है। समझ में आ गया कि टैक्स लगा कौन रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कस्टम डैट हो, टैक्स हो, तो कस्टम ड्यूटी सॉरी, तो उसकी पावर्स किसके पास है, कहाँ पर है वो चीजें। जैसे कल को आपको देखना पड़ेगा कि सर कस्टम ड्यूटी, मैं ना दुबई से आ रहा था, तो सर वहां पे क्या हुआ, मैंने एक लैपटॉप ले लिया दुबई से, सस्ता पड़ रहा था सर, या आईफोन ले लिया, सस्ता पड़ रहा था सर, तो वहां पे मुझे बोल दिया कि सर इस पे टैक्स दे दो। तो एटलीस्ट आपको पता है कि टैक्स देना है तो वो चीज कहाँ पे लिखी हुई है, किस हक से मुझसे टैक्स मांग रहा है। हालांकि जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बेटा एक लैपटॉप आप ला सकते हो कहीं से भी, चाहे दुबई हो चाहे यूएस हो, वो अलाउड है। मैं कस्टम में बताऊंगा इस चीज को। आईफोन भी आप ला सकते हो दुबई से, अगर आप गए हो घूमने के लिए आप वो भी ला सकते हो, उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता, ठीक है। ठीक है बेटा आगे चले, थोड़ा सा आपको लगेगा कि बोर हो रहा है, बट बोर नहीं है बेटा, मार्क माई वर्ड्स, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीजें आपको दूसरों से अलग बनाएंगी।
कि आपको लगेगा कि हम जीएसटी अगर आपने मुझसे पढ़ी या शिक्षा धाम से पढ़ी है तो बेटा एक डिफरेंस होना चाहिए मार्केट में आपके पास, कि आपके पास एक ये एज है कि आपको उसका डिफरेंस पता है कि ये आ कहाँ से रहा है। ठीक है बेटा, मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं आपको ऐसी नॉलेज दूं जो आपको बाकी प्लेटफॉर्म से नहीं मिल रही है। ठीक है बेटा, आगे चले। यस सर, दिस इज द बेस ऑफ जीएसटी। बिल्कुल बेटा, अभी जीएसटी का बेस नहीं पढ़ा हमने, अभी हमने सिर्फ टैक्स का बेस पढ़ा है। ठीक है साहिल, अभी हमने सिर्फ टैक्स का बेस पढ़ा है, जीएसटी का नहीं पढ़ा। जीएसटी का अब हम अब पढ़ेंगे कि इसकी कहानी कहां से शुरू हुई जीएसटी की। ठीक है, कि जीएसटी की कहानी शुरू कहां से होती है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूं, सॉरी, पूरे दुनिया में कुछ 194 कंट्रीज हैं। ठीक है, इंडिया कुछ 167th कंट्री था, एग्जैक्टली नंबर शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एज माय अंडरस्टैंडिंग कुछ 167th कंट्री था जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया, मतलब एक्सेप्ट किया। तो बेटा सोचिए कि 194 में से हम 167 नंबर पे आए जो हम जीएसटी को अपना पाए। क्यों, प्रॉब्लम क्या हुई, कहां से शुरुआत हुई, क्या हुआ ऐसा कि जो हम इतनी डिले जीएसटी को एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, और जीएसटी से पहले क्या होता था हम वो भी पढ़ेंगे बेटा। जीएसटी से पहले होता था VAT, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी से पहले ये हुआ करता था, एक जुलाई 2017 को जीएसटी लगाया गया, जीएसटी पूरे देश में लगा, जीएसटी एप्लीकेबल। एक्सेप्ट, ये चीज बेटा बहुत जरूरी है जो मैं लाइन लिख रहा हूँ इस टाइम पे। जीएसटी एप्लीकेबल ऑन 1 जुलाई 2017 इन द एंटायर इंडिया बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर पे नहीं लगा था। जम्मू कश्मीर पे कब लगा उसकी तारीख भी बेटा है 8 जुलाई। डेट याद रखने की जरूरत बिल्कुल बेटा नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब इसे आ जाए ना कि लाइक जीएसटी कब लगा, तो आपके लिए ये सब चीजें जरूरी हो जाती है कि आप ये सब चीजें मेंशन करो। ठीक है, तारीख नहीं भी याद होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे ना हम जब इतना डिटेल में पढ़ेंगे ये सारे डेट्स आपके माइंड में ही छप जाएंगे, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा कहानी थी थोड़ी सी कि हम 167 नंबर पे आए थे, अप्रोक्सीमेटली नंबर है बेटा, मे बी 2-3 ऊपर नीचे होगा बट इतना ही है कुछ। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुई बेटा, बेटा ईयर 2000 में इसकी कहानी शुरू हुई, ईयर 2000 में। ठीक है, जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रखा कि हम क्यों नहीं जीएसटी पे जाते हैं, क्योंकि बेटा वैट में जो था ना वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत प्रॉब्लम थी उसमें, बहुत प्रॉब्लम भी थी, बहुत कॉम्प्लेक्स भी था और बहुत ज्यादा करप्शन भी था उसमें। तो सरकार को इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम जीएसटी पे जाएं, जहां पे पूरी दुनिया जीएसटी पे काम कर रही है सिवाय हमारे। फ्रांस वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट द जीएसटी, तो हम क्यों नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्या है। तो उस टाइम पे बेटा ये बात स्टार्ट हुई, ईयर 2003 में बेटा एक केलकर जी हैं, केलकर का पूरा नाम मुझे याद नहीं है, बट केलकर जी को एक काम दिया गया कि सर आप जीएसटी की रूपरेखा बनाइए, उसको उसको नाम दिया गया केलकर टास्क फोर्स। केलकर टास्क फोर्स 2003-04 में उनको बोला गया कि सर आप पूरा जीएसटी का
मुखौटा तैयार करिए, स्ट्रक्चर तैयार करिए कि कैसा जीएसटी होना चाहिए देश में, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या हुआ, बजट आया 2006-07 में, और उसके बाद फिर से चिदम्बरम जी ने उसको प्रेजेंट किया। जैसे केलकर टास्क फोर्स ने काम बनाया, पूरा पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, द टाइम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम इन 2006 एंड 7, चिदम्बरम जी ने उसको प्रेजेंट किया यूनियन बजट में, जो बजट अभी मैं बता रहा हूँ ना आने वाला है 1 तारीख को। पहले बजट आया करता था बेटा 1 मार्च को, फिर उसको थोड़ा पहले कर दिया गया 1 फरवरी को, ठीक है। तो कि बोला गया कि हम जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 से लागू करेंगे, 2006-07 में बात बोल दी गई थी कि हम 2010 अप्रैल से इसको लागू करेंगे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू पॉलिटिकल कह लो या जो भी कह लो, दिस कुडंट गेट सक्सीड। बेटा ये अभी दोनों ही है बेटा, ये थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, बट प्रैक्टिकल तभी कर पाओगे जब थ्योरी आती होगी, ठीक है। तो बेटा ये नहीं हो पाया हमारा, 2010 से एप्लीकेबल नहीं हो पाया जीएसटी, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाली गई 2014 में कि जीएसटी को दोबारा जिंदा किया जाए। 2014 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाली गई कि बेटा जीएसटी को जिंदा करो। उसके बाद काफी सारी अमेंडमेंट्स आती रही, काफी सारे चेंजेस होते रहे कि कैसे किया जाए, क्योंकि 2014 में हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, यूपीए से एनडीए, मनमोहन सिंह जी से मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो उनके ऊपर भी ये प्रेशर आया कि जीएसटी को लागू किया जाए, वो भी चाहते थे जीएसटी लागू हो जाए, ठीक है। तो काफी सारे बीच में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हुए, चीजें चलती रही, प्रोग्रेस में हुई, लेकिन उनके आने के बाद भी 3 साल लग गए देश को जीएसटी अपनाने में, जीएसटी सॉरी इंप्लीमेंट होने में। बेटा जीएसटी जैसे देखा जाए, इंडिया में लगाया गया 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 17 को लगा, और ये मैंने बताया पूरी इंडिया में लगा एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कब लगा, 2008 जुलाई 2017 को, ठीक है। ठीक है, तो बेटा कई सारे कानून बने, जैसे मैंने बताया जम्मू कश्मीर कब लगा, 8 जुलाई 2017 को। बेटा जीएसटी के अंदर ना 4 कानून हैं, जीएसटी के अंदर 4 लॉ हैं, वो कैसे कैसे हैं। एक है हमारा सीजीएसटी एक्ट, मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ बेटा क्या है इसकी। सॉरी मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ बेटा, बेटर रहेगा आपको, बेटर रहेगा। पहला है बेटा हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम बोलते हैं 2017, ठीक है। एक ये टैक्स था बेटा हमारा। दूसरा है हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017, ठीक है बेटा, दूसरा ये हो गया। तीसरा है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2000, ठीक है। चौथा है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्पनसेशन ऑफ सेस एक्ट 2017, ठीक है बेटा। ये 4 हमारे हैं, बिल्कुल सही बेटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही तीनों हैं। यही हमारी पूरी क्लास बेटा इन्हीं तीनों के अगेंस्ट में
घूमती रहेगी, पूरी की पूरी क्लास हमारी इन्हीं तीनों के आसपास घूमती रहेगी, क्या सी है, क्या एस है, क्या आई है। बेटा शॉर्ट फॉर्म में शायद मैं इसको सी बोलूं, इसको एस बोलूं और इसको आई बोलूं, ठीक है बेटा? ध्यान से याद रखना ये चीजें हम क्लास के ड्यूरेशन में यूज करेंगे कि सी क्या है, एस क्या है, आई क्या है, और यही बेटा आपको लाइक जल्दी जल्दी याद भी होंगी और आप भी एग्जाम में जल्दी जल्दी लिख पाएंगे कि क्या सी है, क्या एस है, क्या आई है, ठीक है? बहुत आराम से याद हो जाएगा बेटा आपको, ठीक है? तो आपको याद बेटा समझ में आया कि जीएसटी शुरू कहां से हुआ? जीएसटी शुरू हुआ बेटा आपका 2000 से, सन 2000 से स्टार्ट हुआ आपका। केलकर कमेटी आई, केलकर टास्क फोर्स आया, फिर हमारा 2006-07 में बोला गया 2010 से स्टार्ट होगा, लेकिन नहीं हो पाया ड्यू टू मल्टीपल ऑफ रीजंस, फिर ठीक है, फिर 2014 में बेटा बीच में काफी सारी इंप्रूवमेंट्स हुई थी, ऐसा नहीं है, काफी सारी इंप्रूवमेंट्स हुई थी, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर मी एग्जाम पर्सपेक्टिव, और मतलब इतना भी आप एक एक डेट याद रखने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाली गई कि जीएसटी को रिवाइव किया जाए, फिर 2017 से इसको एप्लीकेबल कर दिया गया, ठीक है बेटा? अब हम बेटा मेन स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी बेसिकली मेरा है क्या, जीएसटी का मतलब क्या है, क्या चीज है ये, मतलब समझ रहे हो कि मतलब हम जीएसटी क्यों? हमने समझ लिया टैक्स लगाया जाएगा, बिल्कुल लगाया जाएगा, कहाँ से पावर आ रही है? आर्टिकल 245 से आ रही है, 7 प्रोविजन जो हमारा लिस्ट 2 है, स्टेट की जो लिस्ट है वहां से पावर आ रही है पूरी, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिस्ट 1 से पावर आ रही है। तो अल्टीमेटली ये पावर कहां पर देखी गई? क्योंकि यहाँ पे दोनों लोग इन्वॉल्व हैं, तो लिस्ट 3 में लोग आएंगे, ठीक है बेटा? तो अब बात ये थी कि इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है सर? बिल्कुल बेटा इस बताऊंगा क्या है ये, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है? तो अब बेटा जीएसटी का एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं। जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बेटा ये इसका कि एनी टैक्स, चलो मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, ठीक है? जीएसटी कब लगता है, किस चीज पे लगता है, क्यों लगता है, सारी चीजें देखते हैं बेटा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक सीए है, सीए कुशल, ठीक है बेटा? सीए कुशल से बेटा पहली चीज तो विशाल, स्टेट से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेटा होते हैं फॉरेन कंट्री से, ठीक है? थोड़ा सा आप अपने को करेक्ट करिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की टर्म आपकी यूज होती है फॉरेन कंट्रीज के लिए, ठीक है? विद इन इंडिया यू कैन नॉट यूज द टर्म्स कि मैंने यूपी से एक्सपोर्ट किया या यूपी से इंपोर्ट किया, ठीक है? प्लीज एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, छोटा सा, थोड़ा बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा कि सीए कुशल रेंडर्ड अ सर्विस, टू मिस्टर, किसी बच्चे का नाम लेते हैं, कौन है, विशाल शर्मा, टू मिस्टर विशाल शर्मा, फॉर असिस्टिंग। बेटा एग्जाम्पल ध्यान से देखना क्योंकि यही पूरा कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, यही कॉन्सेप्ट है। इन डेप्थ पढ़ेंगे तो समझ में आएगी क्या क्या चीजें हैं, बट एक पूरा जो सार है ना जीएसटी का, इस एग्जाम्पल में डाल दूंगा मैं, ठीक है? कि क्या क्यों लग रहा है, ठीक है? असिस्टिंग इन सेटिंग अप फैक्ट्री इन, रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं अयोध्या, क्योंकि बहुत ज्यादा बेटा उसमें आया है, अयोध्या उत्तर प्रदेश, क्योंकि सर अभी वहां पे सोच रहे हैं हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो क्या नाम है, विशाल शर्मा, सोच रहे हैं कि सर मैं थोड़ी वहां पे 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लगाना चाहता हूँ, एक मैं होटल खोलना चाहता हूँ, उसको फैक्ट्री मैंने डाला है अभी, इसको क्या कर लेते हैं, एक रेस्ट होटल ओपन करते हैं वहां पे, क्योंकि इनको इनको लग रहा है कि सर वहां पे बहुत ज्यादा फुटफॉल होने वाला है आने वाले सालों में, तो मैं वहां पे टेक
एक होटल खोलना चाहता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट सर 10 करोड़ रुपए की है, ऑफ रुपीज 10 करोड़। विशाल ने बोला सर 10 करोड़ रुपए की मैं इन्वेस्टमेंट लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि सर आप मेरी हेल्प करिए। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मैंने वहां पे जाकर के इनका सारा सेटअप तैयार किया लीगल परस्पेक्टिव से, ठीक है, कि जमीन खरीद रहे हैं तो मैंने लॉयर से बात करके सारा काम करवाया इनका, ठीक है। इनकी मैंने कंपनी बनाई, कंपनी भी बनती है बेटा आपको पता ही है, कंपनी बनाई, उनपे जीएसटी नंबर लिया, वहां पे नंबर जरूरी होता है, बताऊंगा बेटा इसके बाद का हम चैप्टर वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया एक एक चीज की, कैसे कैसे चीजें फ्लो होंगी इस पूरे ड्यूरेशन में, मतलब इस पूरी सर्विसेज में। मैंने विशाल को बोला कि सर मैं आपसे 50 लाख रुपए चार्ज करूंगा, 50 लाख रुपीज फीस है। वो किसकी है? वो कुशल की फीस है, 50 लाख रुपए, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस 50 लाख रुपए क्या एज इट इज विशाल कुशल को दे देगा अकाउंट में ट्रांसफर करके? नहीं बेटा, कुशल क्या करेगा, एक बिल रेज करेगा। कुशल विल रेज अ टैक्स इनवॉइस। कुशल एक टैक्स इनवॉइस रेज करेगा। कितनी वैल्यू का रेज करेगा? तो बेटा वैल्यू होगी 50 लाख रुपए, और प्लस तो लगा दूंगा मैं उस पर जीएसटी 18%। तो टोटल मेरा बिल हो जाएगा 59 लाख का। अब बात यह आती है कि सर आपने क्या ऐसा किया कि आपको जीएसटी देना पड़ा, मतलब जीएसटी आपने चार्ज किया? तो बेटा मैंने अपनी सर्विसेज जो थी वो मैंने विशाल को दी। मैंने यहां पे लिखा हुआ है ना, कुशल रेंडर्ड अ सर्विस टू मिस्टर विशाल। मैंने सर्विसेज अपनी रेंडर की हैं विशाल को। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अगर कोई इंसान या कोई कंपनी या कोई फर्म अपनी सर्विसेज किसी को दे रही है तो वहां पे जीएसटी लगेगा। क्लियर हो गया बेटा? अगर कोई इंडिविजुअल, कोई प्रोप्राइटरशिप, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी सर्विसेज दे रही है तो वहां पे जीएसटी लगेगा। ये तो हो गई एक बात। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, जो ये विशाल का जो होटल है वो होटल बनने के लिए सामान भी चाहिए होगा। सामान में क्या क्या लगेगा? ईंटें लगेंगी, फ्लोरिंग होगी, सीमेंट लगेगी, सरिया लगेगी, बालू लग, सब चीजें लगेंगी बेटा। अब विशाल ने कहा कि सर मुझे वो भी खरीदना है। तो मैं कहा सर वो मेरा काम नहीं है, आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को, तो वो सारा सामान खरीद के ला रहा है बेटा मार्केट से। तो सपोज करते हैं सामान खरीदा उसने बार बार किस्तों में सामान, क्योंकि जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे सामान खरीदा जाएगा। वो उन्होंने खरीदा कुछ, एग्जाम्पल करते हैं 8 करोड़ का पूरा सामान खरीदा। मैं एक साथ बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, 8 करोड़। अब यहां पे भी जीएसटी लग गया बेटा। जब सामान खरीदने के लिए गए तो जो दुकानदार था उसने बोला कि सर सामान खरीद लो, इतने रुपए का है, इतने रुपए जीएसटी है उसके ऊपर। तो क्या हुआ, एक तो सर्विस पे, तो मेरी चीज सर्विस पे आ गया जीएसटी, और जब ये सामान खरीद के लेके आए तो वहां पे प्रोडक्ट कह लो आप बेटा, क्या गुड्स कह लो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब भी आप कोई गुड्स खरीदते या बेचते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं किसी को, किसी से या किसी को देते हैं, उस पे आपका जीएसटी लगाया जाता है। आप दुकान से कोई सामान लेके आइए, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं आप, आपने एक माजा ली, उस पे जीएसटी बेटा लगा हुआ होता है ऑलरेडी, आप अलग से नहीं ले देते हो क्योंकि वो आप एक माजा लेके आते हो, ठीक है। तो आप कोई भी गुड्स खरीद लीजिए या बेच लीजिए, आप कोई सर्विसेज आप किसी को दिए दीजिए या उससे सर्विसेज लीजिए, अगर वो B2B में है या B2C में और जिसके पास है उसके पास जीएसटी नंबर है तो बेटा जीएसटी लगेगा, ठीक है। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जीएसटी का। आगे चलते हैं, क्या यहाँ पे देखते हैं, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स अ टैक्स ऑन अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ध्यान से सुनना बेटा, पहली क्लास में मैंने बताया था कि गुड्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ है, गुड्स और सर्विसेज नहीं लिखा हुआ एक्ट के अंदर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है
कि कोई भी सप्लाई करिए आप, चाहे वो सामान हो, चाहे वो सर्विसेज हो, और चाहे वो दोनों हो। मान लो कोई ऐसी सर्विस है जहां पे दोनों मिलके दोनों दी जा रही है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, सामान खाना भी खाते हैं, और वेटर जो आपको खाना ला के आपके टेबल पे रख रहा है वो भी तो एक सर्विस है ना बेटा। शेफ बना रहा है आपके लिए खाना, वो भी तो सर्विस है ना। तो वहां पे क्या हो गया, दोनों चीजें एडिड होती हैं, गुड्स भी होता है और सर्विस भी होती है। तो वो दोनों चीजें हो गई। अगर इंडिविजुअल है तो गुड्स हो गया, इंडिविजुअल सर्विस हो गई, वो अलग हो गई। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो भी टैक्स लगेगा, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसको बेटा देख लेते हैं कि गुड्स की बात हो गई, सर्विसेज की बात हो गई, और दोनों की बात हो गई। लेकिन सरकार बोलती है कि जो एल्कोहलिक कंजम्पशन है फॉर एल्कोहल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो अब आप पूछोगे सर क्या उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता? नहीं बेटा, उस पर टैक्स तो लगता है, बट जीएसटी नहीं लगता। उस पर क्या लगता है? वैट। उस प्रोडक्ट के ऊपर अभी भी वैट लगाया जा रहा है। एक हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, दो चीजें हो गई, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आज भी जीएसटी नहीं है, उस पे अभी भी वैट ही लगाया जा रहा है, और उस पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। आई विल लेट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी, बट स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग प्लीज अंडरस्टैंड दैट देर आर टू प्रोडक्ट्स, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दे आर स्टिल आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द जीएसटी। उसके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लग रहा है बेटा, ठीक है? क्लियरली बोल दिया, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर अंडर विच द इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड नॉट ओनली ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बट ध्यान सुनना, ऑल्सो ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वही मैंने बताया आपको कि बेटा दोनों चीजों पे लग रहा है, कि गुड्स पे नहीं सिर्फ सर्विसेज पे भी लगाया जा रहा है, ठीक है? द यूनिक फीचर ऑफ जीएसटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेज ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज ऑन सर्विसेज एज वेल, जो इन दोनों को एक करके एक बनाता है ना, वही इसका यूनिक फीचर है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है ये। द जीएसटी हैज सब्सूम्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट एग्जिस्टेड इन प्री जीएसटी एरा। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बेटा क्या होता है कि जो जीएसटी से पहले के जितने टैक्सेस थे ना, जैसे वैट कह लो, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सॉरी कौन कौन से थे देखते हैं, तो बेटा ये सारे वो टैक्सेस हैं जो पहले लगाए जाते थे जीएसटी से पहले, और ये सारे अब खत्म हो चुके हैं। जो सरकार बोलती है ना कि हमने सारे टैक्सेस को खत्म कर दिया है, तो वो इन टैक्सेस के लिए बोलती है कि हमने इन टैक्सेस को खत्म कर दिया बेटा। इन सारे टैक्सेस को मिला करके सरकार ने जीएसटी में डाल दिया कि अब इन सब के मतलब ये सारे टैक्स खत्म, अब सिर्फ जीएसटी लगेगा। जैसे बात की जाए कि सेंट्रल लेवल पे क्या था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये कहाँ लगती थी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। कोई भी गुड्स अगर मैन्युफैक्चर होते थे तो आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसी के ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी। सर्विस जो सर्विसेज थी ना बेटा, सर्विसेज पे पहले सर्विस टैक्स लगता था, गुड्स पे क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स। लेकिन वही अगर उसी गुड्स को आप यहाँ पे मैंने क्या था मैन्युफैक्चर, अगर आप उसी गुड्स को ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड मतलब खरीद के बेच रहे हो, तो वहां पे लगता था आपका वैट। आप कोई सामान बना रहे हो तो लगता था एक्साइज ड्यूटी, और उस सामान को बना के बेच रहे हो तो लगता था वैट, ठीक है? और फिर आप सर्विसेज दे रहे हो किसी को तो वहां पे अलग था सर्विस टैक्स, ठीक है? सीवीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स मतलब वही कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेच रहे हो तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। अगर एक स्टेट में खरीद के उसी स्टेट में बेच रहे हो तो वैट लगता था बेटा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स था, मतलब अभी समझो आप कि अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होंगी, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स था। बना
मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज, फिर उसके बाद भी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, फिर सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विस टैक्स लग रहा है सर, फिर अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेच रहे हैं तो सीएसटी लग रहा है, विद इन स्टेट करें तो वैट लग रहा है। तो ये याद रखना ही मुश्किल हो रहा था कि क्या हम ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था, मतलब जो कंप्लायंस फॉलो कर रहा है उसके लिए तो डिफिकल्ट है ही है, लेकिन जो सरकार उसको मैनेज कर रही है उसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी बेटा ये। ठीक है, तो इसलिए अगर स्टेट लेवल पे बात करूं तो स्टेट लेवल पे क्या था बेटा, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेज ऑन लॉटरी, एंट्री टैक्स, वैट जो मैंने बताया, लग्जरी टैक्स, टैक्सेज ऑन एडवर्टीजमेंट, ये सब सरकार के लिए प्रॉब्लम बन रहे थे। तो इन्होंने इन सबको खत्म करके जीएसटी में लिया है बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ दम टैक्सेस वर लेवी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेयर एज मेनी अदर अदर्स वर लेवीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस साइमल्टेनियसली एट बोथ द स्टेट स्टेट एंड स्टेट लेवल, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो क्या बोला गया कि जीएसटी को दोनों जगह पे एक साथ ही लगाया गया, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। ये नहीं हुआ कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ने लगाया कि हम 1 जुलाई को लगाएंगे और स्टेट ने बोला कि हम बाद में लगाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। दोनों जगह पे एक साथ ही लगाया गया, सारे टैक्सेस को एक साथ ही खत्म कर दिया गया और उन दोनों को एक साथ ही इंट्रोड्यूस कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया गया बेटा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है बेटा? सॉरी, एनी डाउट है? बताइए बेटा, कोई डाउट? हेलो 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 हेलो, कोई डाउट है बेटा? बताइए। हाँ टाइप कर दो, स्वदा अभिराज प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने समझा कि जीएसटी क्या है, कैसे है, कहां से आया, कहां से पावर आ रही है। तो आपको ना एक फ्लो आ रहा होगा पूरा कि आप अभी आप कोरिलेट कर सकते हो कि ये चीज बनी कहां से, क्या है ये चीज। ठीक है, अभी सबसे हमने हमने सबसे पहले हमने जनरल चीजें पढ़ी, फिर कमिटी पढ़ी, फिर कहां से पावर है, ठीक है, फिर हमने जीएसटी को समझा। तो अभी हम पूरा ऊपर से एक वाटरफॉल बनाते हुए आ रहे हैं, समझ लो। वाटरफॉल मतलब क्या होता है, ऊपर से सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं कि चीजें कैसी चल रही हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे कि जीएसटी के फीचर्स क्या क्या हैं। मतलब देखा जाए तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, आगे इसका मतलब क्या बनता है। फीचर का आप समझ लीजिए कि कुछ भी, मतलब फीचर एक तरीके से समझ लीजिए कि उसके बारे में ही बातें होती हैं कि वो जीएसटी क्या चीज है। अब हम थोड़ी चीजें आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पहली चीज बेटा बोलता है ये, इट विल एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इसकी एप्लीकेबिलिटी पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पार्ट पे है एक पार्ट पे नहीं है। जम्मू कश्मीर पे भी बेटा 8 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल जीएसटी हो गया था। ठीक है, फिर क्या बोलता है, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड, वेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन वेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कहता है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजेक्शन। ध्यान से सुनना बेटा, क्या लिखा हुआ है, ऑल। इसलिए मैंने क्या बोला था, गुड्स पे भी है, सर्विसेज पे भी है, और गुड्स प्लस सर्विसेज पे भी है। ठीक है, तो क्या कहता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, जो आप बोल तो रहे हो बार बार डेस्टिनेशन, बट इसका मतलब क्या है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि डेस्टिनेशन का मतलब क्या हुआ, पहुंचना। हिंदी मतलब अगर बताऊं तो डेस्टिनेशन का क्या है, पहुंचना, कि जब कोई सामान या सर्विसेज पहुंच जाएंगी तब जीएसटी लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, कहा जाता है, द टैक्स इज पेबल टू द स्टेट। ध्यान से पढ़ना बेटा, मतलब इसका पेबल टू द स्टेट वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड।
समझे, समझाता हूँ। हाँ, आपने सपोज करते हैं हिमाचल में जैसे काफी सारी फैक्ट्रीज हैं दवाइयों की, ठीक है, दवाइयों की बात कर लें अगर, या फिर खाने पीने की फैक्ट्रीज उधर ही हैं, ठीक है, अहमदाबाद में, या फिर गुजरात की बात की, वहां भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। वैसे तो हर स्टेट में फैक्ट्रीज हैं, बट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी सामान था वो गुजरात से चला, गुजरात में मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, वो कोई खाने की चीज थी, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूध है, मैगी है, माजा है, या फिर बिस्किट्स हैं, कुछ भी चीज समझ सकते हैं आप, ठीक है, वहां पे वो मैन्युफैक्चर हुए, मैन्युफैक्चर वहां से हुए, लेकिन वो इस्तेमाल किसने किए, वो कंज्यूम किसने किए, वो कंज्यूम किए सपोज करते हैं मैंने दिल्ली में बैठ के, या फिर मैं लखनऊ गया, मैंने वहां पे चीजें कंज्यूम की, या फिर आप कहीं बैठे हुए हैं किसी और स्टेट के अंदर, वहां पे आपने वो चीजें कंज्यूम की, मतलब उसको खाया है, उसका इस्तेमाल किया, तो टैक्स बेटा कौन सी गवर्नमेंट लेगी जहां पे आपने उसको इस्तेमाल किया, ठीक है, कैसे? सो बेटा होता क्या है कि जहां पे उस सर्विसेज को इस्तेमाल किया गया ना, या उसको कंज्यूम किया गया, उस समय पे आपने पैसा दुकानदार को दिया। जैसे एग्जाम्पल हूं मैं, तो आपने एक पार्ले जी लिया, पार्ले जी लिया आपने, ठीक है, आप थे लखनऊ में, वहां पे आपने पार्ले जी को कंज्यूम किया, लेकिन वो पार्ले जी बनाया कहाँ गया, वो पार्ले जी बनाया कहाँ गया, मान लेते हैं वो बनाया गया गुजरात में, तो अब टैक्स जो होगा आप क्या करोगे, आप उस पार्ले जी की कॉस्ट किसको दो दे दोगे, वेंडर को, मतलब वेंडर मतलब जो भी आपका वो शॉपकीपर था, आपने उसको 5 रुपये 10 रुपये दे दिए, वो फिर अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा और वहां वो अपनी सरकार को वो पैसे दे देगा। तो अल्टीमेटली इसीलिए बोला जा रहा है इसको कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो जो भी जिस भी स्टेट में आप उसको सर्विसेज को या प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे वो सरकार उस पर पैसा ले लेगी। तो इसको बेटा हम अच्छे से चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे, हमारी एक यूनिट आएगी बेटा वहां पे, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली उसको हम बोलते हैं, कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी क्या है, वो डिसाइड कैसे होती है, कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड की जाएगी, वो हम उस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या कहता है, डुअल जीएसटी, सिंस इंडिया हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, सेंट्रल स्ट्रक्चर, द टैक्स इज लेविड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, यहाँ पे जीएसटी जो है दोनों लोग लगा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है, ठीक है, दस इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल, अकॉर्डिंगली द जीएसटी इज इम्पोज कंकरेंटली बाय द सेंट्रल एंड स्टेट ऑन टैक्सेबल सप्लाई और बोथ, द चार्ज ऑफ जीएसटी हैज बीन एक्सप्लेन इन डिटेल इन चैप्टर 3, वो हम देखेंगे बेटा वहां पे, लेकिन बात क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही इसको लगाया है और दोनों ही इसके पैसे आपस में बांट लेते हैं, और वो फिर बाद में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे या सब्सिडीज पे या फिर सोशल वेलफेयर पे खर्च किए जाते हैं बेटा, ठीक है। आईजीएसटी और इंटर स्टेट सप्लाईज, अब बेटा इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, दोनों को, इन दोनों पॉइंटर्स को हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। बेटा बात बोलता है ये आईजीएसटी की, जो हमने पढ़ा भी, क्या भी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दूसरा हमने क्या देखा था, सीजीएसटी, और तीसरा हमने देखा एसजीएसटी। बेटा इसको मैं ज्यादा डेप्थ में लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है, आपको सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज और ऐड करता हूँ मैं आपको, वरना फिर आप बोलोगे सर ये भी तो कुछ होता है, जैसे जब ये एक बच्चे ने बोला था चंडीगढ़ वाला एग्जाम्पल जो आया था बीच में, उसको भी यहीं पे कवर करते हैं। जैसे बेटा सर्विसेज, प्रोडक्ट्स कह लो, सर्विसेज कह लो, कुछ भी कह लो, कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज सर्विसेज हो रही है, गुड्स की या सर्विसेज की, कुछ भी कह लो, तो अगर बेटा यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं महाराष्ट्र का, स्पेलिंग बेटा माफ कर देना अगर गलत गलत हो जाए तो, ठीक है,
ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, सर्विसेज यूपी से महाराष्ट्र में रेंडर की गई, ठीक है, यूपी से महाराष्ट्र में सर्विसेज रेंडर की गई। तो यहां पे बेटा दो स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यूपी का भी और महाराष्ट्र का भी। तो अब बात ये आती है कि टैक्स कौन सा लगाया जाए, कौन सा टैक्स लगाया जाए। तो बेटा ध्यान रखना, जहां पे भी इंटर स्टेट की बात हो जाएगी, इंटर स्टेट मतलब दो राज्यों की बात होगी, वहां पे हमेशा आपका आईजीएसटी लगेगा। अच्छा ठीक है, वहां पे आपका आईजीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है। जहां पे भी दो राज्यों की बात होगी वहां पे आपके आपका आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट। मेक श्योर द वर्ड इज क्लियर, इंटर, मैं यहां पे वर्ड लिख देता हूं, इंटर स्टेट, यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपका आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी का रेट मान लेते हैं अगर 18% है, और आपका गुड जो सर्विसेज या गुड्स जो थी वो 1 लाख रुपए की थी, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% विच इज 18,000, ये आपका जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे अगर सामान सिर्फ यूपी का यूपी में ही बेचा जा रहा है, विच इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट, अगर यूपी का सामान यूपी में ही बेचा जा रहा है, या फिर महाराष्ट्र का सामान महाराष्ट्र में ही बेचा जा रहा है, तब क्या होगा, तब बेटा बात आती है सीजीएसटी और एसजीएसटी की। तब जैसे यहां पे क्या था, 18% का रेट था, यहां पे क्या हो जाएगा, 9% सीजीएसटी हो जाएगा और 9% एसजीएसटी हो जाएगा, या फिर यूटीजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, बिल्कुल सही बेटा। अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब रेट कैसे डिसाइड होता है, बेटा रेट तो वही रहेगा 18%, बट इस केस में क्या हो जाता है, वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, इक्वली डिवाइड बाय 2 कर देते हैं रेट को। रेट अगर 18% है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी या सीजीएसटी यूटीजीएसटी में हो जाता है। अगर मान लो चंडीगढ़ के अंदर इंट्रा यूटीजीएसटी हो रहा है, इंट्रा यूनिटेड टेरिटरी हो रहा है, स्टेट तो बोल नहीं सकते उसको, इंट्रा यूनियन टेरिटरी हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, आपका सी का रेट हो जाएगा 9% और यूटी का रेट हो जाएगा 9%। वहां पे एस नहीं आता है क्योंकि वो स्टेट नहीं है, ठीक है। क्या बेटा मेरी बात बिल्कुल क्लियर है या कोई भी डाउट है, अभी आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि यही हमारा पूरा का पूरा बेस रहने वाला है थ्रू आउट द सिलेबस, जीएसटी का जितना सिलेबस होगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आप मेरे से हर क्लास में पूछोगे कि सर यहाँ पे आपने आई क्यों लगाया, यहाँ पे आपने सी क्यों लगाया, यहाँ पे आपने एस क्यों लगाया, यहाँ पे आपने यू क्यों लगाया, प्लीज इसको एक बार देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेस ऑफ एंटायर सिलेबस। रेट इज नॉट द इश्यू, द कॉन्सेप्ट इज द इश्यू। अगर ये समझ में नहीं आया, रेट तो बेटा हमेशा गिवन होता है आपके एग्जाम में, रेट विल बी ऑलवेज गिवन कि रेट क्या है जीएसटी के प्रोडक्ट के ऊपर, आपके केस में, आपके एग्जाम्पल में जीएसटी का रेट क्या है। अगर इंटर स्टेट है, अगर इंटर स्टेट है, अगर इंटर स्टेट है आई लगेगा, रट्टा मत मारना कि आई है तो आई लगा दो, क्योंकि इंट्रा भी आई है बेटा, ठीक है। तो रट्टा मत मारना, इंटर स्टेट मतलब दो अलग अलग राज्य, आईजीएसटी लगेगा मेरा, सेम राज्य है सीजीएसटी एसजीएसटी या सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा बेटा। आई होप द मैसेज इज क्लाउड एंड क्लियर। सर लास्ट का एक बार और समझा दीजिए बेटा, अगर आपके दो अलग अलग राज्य इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा, अगर आपके सेम राज्य में डीलिंग हो रही है, अगर आप उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में ही डील कर रहे हो तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, रेट बस आपका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, आपका इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर सपोज मैंने 18 लिया, अगर ये 12% होता
तो डिवाइड बाई टू कर देते, 6 और 6 हो जाता। अगर 5 होता तो 2.5 2.5 हो जाता। बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो, बताइए बेटा क्या कहना चाहते हो, बताइए बताइए। हाँ ठीक है, तो द पॉइंट इज, अगर इंटर स्टेट है आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट है सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, ठीक है, दिस इज द एंटायर बेस ऑफ एंटायर आवर सिलेबस, ठीक है। यही बेटा यहां पे बात लिखी हुई है, ये बात दोनों यहां पे लिखी हुई है कि आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, यही बात मैंने आपको वहां पे समझाई है, यही बात मैंने आपको वहां पे समझाई है, ठीक है। आगे चले, अब बेटा कुछ और बातें पढ़ते हैं हम आगे, आगे चले। हाँ बेटा, गिव योर पॉजिटिव नोट, आगे चले बेटा। यूटी जीएसटी में ना स्टेट नहीं आते आरिफ, यूटी जीएसटी में स्टेट नहीं आते। जैसे हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली इज इटसेल्फ अ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ इज वन ऑफ देम, दमन एंड दीव, ठीक है, ये सारी जो हमारी यूटी जीएसटी है ना, यहाँ पे स्टेट नहीं होता, यहाँ पे सेंट्रल एंड यूटी जीएसटी होता है। आईजीएसटी में भी सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड होता है इक्वली? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं सोनल, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अपने माइंड को। आईजीएसटी में सेंटर और स्टेट नहीं होता, सिर्फ आई होता है, विच इज एंट्री इंटीग्रेटेड। 18% का रेट होगा, 18 ही लगेगा आई के केस में, ठीक है शिवम। ठीक है बेटा आगे चले, ठीक है। अभी हम थोड़े से फीचर्स पढ़ते हैं, कुछ फीचर्स क्या कह लो या फिर डेफिनेशन कह लो, कुछ चीजें हम थ्रू आउट द सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ये वर्ड क्या है या फिर ये चीजें क्या है, ठीक है। तो पहला जो मेरा वर्ड है वो है टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है बेटा, जैसे सर्विस की बात करूं, ठीक है, मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूं, ठीक है, मेरी मम्मी ने बोला बेटा आज का घर का सारा काम आप करोगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, मैं घर पे बैठा हुआ हूं, मेरी मम्मी ने बोला बेटा आज का घर का सारा काम आप करोगे, तो मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, वहां पे घर का काम कर रहा हूं ना, मेरी सर्विसेज जा रही हैं, तो क्या वहां भी जीएसटी लगेगा? सोचो आप लोग घर पे, जो अपने घर पे काम करते हो, आपके पापा मम्मी ने जो दिए, तो सर्विसेज तो आप वहां पे भी दे रहे हो, तो क्या उस पर भी जीएसटी लगना चाहिए? बताओ बताइए बेटा, क्या उस पर भी जीएसटी लगना चाहिए? बताओ बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। आपके मम्मी पापा ने आपको घर का काम करने के लिए दिया है, आप भी सर्विसेज दे रहे हो, तो क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? नो 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 नो, नहीं, सोशल वर्क है, नो 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 सर। अल्टीमेटली आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है? स्टेट? नहीं बेटा, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है सोनल, लगना तो चाहिए बट लगेगा नहीं। अच्छा सो जल्दी बताओ, अच्छा लग रहा है? एक बच्चे ने बोला लगना तो चाहिए बट लगेगा नहीं, ठीक है, बाकी सब तो कह रहे हैं नहीं सर नहीं सर, दैट इज फॉर फ्री, ठीक है। सो बेटा देखिए, जीएसटी किस चीज पे लगता है, हमने पहले देख लिया कि सर्विसेज पे लगता है और प्रोडक्ट पे लगता है, लेकिन एक कुछ तो होगा ना कंडीशन कि जब ये होगा तभी लगेगा जीएसटी, या फिर ऐसा होगा तो जीएसटी लगेगा। तो बेटा हमने इसको वर्ड दिया है टैक्सेबल इवेंट का, कि जीएसटी लगेगा तभी जब कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी ना, अगर वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही तो जीएसटी क्यों लगेगा, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट।
वो इवेंट बनना, वो टैक्सेबल इवेंट बनना चाहिए कि वो उस पर टैक्स लगाया जा सके। क्या जैसे जैसे बेटा बात करूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन परचेज सेल मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जब हम कोई सामान खरीदेंगे बेचेंगे, सर्विस हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, उसी पे जीएसटी लगेगा। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि घर वाला घर पे काम कर रहे, बेटा वो टैक्सेबल इवेंट ही नहीं है। दिस इज नॉट अ टैक्सेबल इवेंट। पहली चीज, आप सबने आंसर्स बिल्कुल सही दिया, नहीं लगेगा। बट क्यों नहीं लगेगा? आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, सर वो टैक्सेबल इवेंट ही नहीं है ना। वो सर्विसेज, एक बच्चे ने दिया था एग्जाम्पल कि सर वो सोशल वर्क, बेटा उसको सोशल वर्क नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर्विसेज डिलीवर्ड इन द अफेक्शन ऑफ लव। आपने आपका आप उनसे कुछ बात मान रहे हो कि आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है, तो वो टैक्सेबल इवेंट ही नहीं है आपका। हेंस द जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज नॉट अ टैक्सेबल इवेंट। क्लियर? अगला, इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट। इसका क्या मतलब है कि बेटा इसमें क्या होता है, इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग लोगों पे होता है, ठीक है। इट मींस द टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड बाय द सप्लायर टू द बायर और रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है बेटा, आपकी बात मान ली मैंने, अफेक्शन ऑफ फेयर नॉट सो, ठीक है। अच्छा, सो जीएसटी बेटा क्या होता है कि जो आपका इंसिडेंस और इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर जा रहा है? अगर मैंने कोई सर्विसेज किसी से खरीदी है, मतलब मान लो मैं किसी से कोई सर्विसेज ले रहा हूं या कोई सामान खरीद रहा हूं, तो बेचने वाला तो सप्लायर हो गया। ध्यान देना, जो बेच रहा है वो सप्लायर है, जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। तो वो अपने टैक्स के बर्डन को मेरे ऊपर शिफ्ट करता है। इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में क्या किया था बेटा, यहाँ पे विशाल के ऊपर मैंने जीएसटी का पूरा इम्पैक्ट मैंने शिफ्ट कर दिया था, ये 18%, 9 लाख रुपए। मैंने क्या बोला, आप मेरी फीस तो 50 लाख रुपए है, लेकिन जो जीएसटी है वो आप ही दोगे, मैं आपसे लेकर के सरकार को जमा करवा दूंगा। क्लियर? तो क्या हुआ, मैंने जीएसटी लगा एप्लीकेबल तो मेरे ऊपर हो रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, विशाल से लेकर के सरकार को दे दिया। मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने सिर्फ एक से लिया दूसरे को दिया, खत्म। इसी को हम यहां पे बोल रहे हैं इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, ठीक है, कि दो अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, मैं अलग हूं विशाल अलग है, ठीक है। और मैंने क्या किया, टैक्स का जो बर्डन था बेटा वो शिफ्ट कर दिया बाय द सप्लायर टू द बायर और रेसिपियंट, ठीक है। बायर कौन था मेरे केस में, विशाल था, तो बायर नहीं बोलेंगे उसको क्योंकि मैंने सामान नहीं बेचा उसको, वो सर्विसेज दिए मैंने उसको, ठीक है। क्लियर बेटा? उसके बाद बेटा क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेशन। उसके बाद क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक सेकंड देना बेटा, पानी पी लूं, प्यास लग रही है। इसका एग्जाम्पल कैसे है? इसका मतलब क्या, वो देख लीजिए। द इनडायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन पेइंग कैपेसिटी एज टैक्स पेबल। मतलब क्या हुआ बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक पार्ले जी, या एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए बेटा, गुड्स ले लीजिए, पार्ले जी ले लीजिए, या फिर कोई भी गुड्स ले लीजिए, ₹10 का है। अब मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा आपने, हालांकि वो पाले जी नहीं खाते, बट एग्जाम्पल में हम उनको बोलेंगे आप खाओ। एक मुकेश अंबानी जी हैं और एक कोई
मतलब समझ लीजिए कि जो थोड़ा सा गरीब आदमी है, ठीक है, जिसकी जिसके पास खाने के लिए थोड़े पैसे नहीं है, फिर कम पैसे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उसका नाम है मिस्टर एक्स, उसको भी हम जी बोलेंगे, मिस्टर एक्स जी, ठीक है। अब ये जो सामान खरीद, अभी जो सामान खरीद रहे हो बेटा आप, दोनों लोग खरीद रहे हैं, दोनों लोग, क्या इनके लिए वो अलग होगा, इनके लिए अलग होगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो ये जो सामान है, ये पाली जी है, ये इनको भी 10 रुपए का मिलेगा और इनको भी 10 रुपए का मिलेगा। यही ये पॉइंट कहना चाहता है, कहता है ये टैक्सेस, टैक्स जो है ना, वो इंसान की पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं है। ये जो जीएसटी है वो इंसान की पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इज सेम वेदर इट इज परचेज बाय अ पुअर मैन और अ रिच पर्सन, देयर फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, बट यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे हायर टैक्सेस है लग्जरी गुड्स के ऊपर, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो लगाए जाते हैं लग्जरी गुड्स के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो जो लग्जरी गाड़ियां होती है ना बेटा, लग्जरी गाड़ियां जो 50 लाख से ऊपर की होती हैं, अमाउंट फिक्स नहीं है, लग्जरी की डेफिनेशन की बात है, तो वहां पे इन लोगों को टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, उन लोगों को। अगर आप महंगी गाड़ी खरीदोगे तो जीएसटी ज्यादा लग जाता है, ठीक है, अगर सस्ती गाड़ी खरीदोगे तो जीएसटी उतना नहीं जाता आपका, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बोला गया, इस रिग्रेसिव टैक्सेशन में एक एक्सेप्शन है कि हायर टैक्सेस मे बी इम्पोज बाय द ऑन लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स के ऊपर आपका टैक्स ज्यादा लगता है, जीएसटी ज्यादा लगता है, ठीक है बेटा। बिल्कुल बेटा साहिल, इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव, इनकम टैक्स जो लगता है वो इनकम के हिसाब से लगता है, मैं वही चीज बोलने वाला था कि जो इनकम टैक्स है आपका वो रिग्रेसिव नहीं है। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आप उस हिसाब से टैक्स दोगे, आपकी इनकम 1 करोड़ है तो आप उस हिसाब से टैक्स दोगे, जिसकी इनकम कम उसका टैक्स कम, जिसकी इनकम ज्यादा उसका टैक्स ज्यादा, ठीक है बेटा। इम्पैक्ट ऑन इनडायरेक्ट टैक्स, द इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस इट्स प्राइस, दिस लीड्स टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। अगर बेटा देखा जाए सपोज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर हुआ एक बिस्किट, एक बिस्किट मैन्युफैक्चर हुआ, उसकी कॉस्ट थी सपोज करते हैं 10 रुपए की, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अब ये इससे अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा, कौन, जिसने भी बनाया, सपोज करते हैं 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, 20%, ठीक है, तो ये कितने का हो गया, 12 रुपए का। ये है कौन है, मैन्युफैक्चरर, फिर ये किसको बेचेगा, होलसेलर को बेचेगा, ठीक है, होलसेलर को बेचेगा 12 रुपए का, और ये क्या करेगा, इसके ऊपर लगाएगा जीएसटी, सपोज करते हैं 12% के हिसाब से जीएसटी है, एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा सिर्फ, ठीक है, तो 12 रुपए के ऊपर 12% कितना हो जाएगा, 1.44, तो ये कितना हो जाएगा, 13.44। तो जो होलसेलर ने सामान खरीदा वो कितने खरीदा, 13.44 का, ठीक है। अब होलसेलर क्या करेगा, इसमें ऐड करेगा, इसको अलग कर देगा, जो जीएसटी का प्राइस है उसको अलग कर देगा, तो 12 रुपए में क्या करेगा, वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, सपोज करते हैं वो कितना आ गया, उसने ऐड किया 8 रुपए का, उसने अपना ऐड कर दिया, तो ये कितना, कितने का हो गया, 12 प्लस 8 20, और ये जीएसटी को हम अलग रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस पे फिर उसने लगाया 12%, 12 दूनी 24, 2.4, ठीक है, ये कितने का हो गया,
अच्छा, ये आपको आईटीसी कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। आईटीसी का कॉन्सेप्ट होता है बेटा एक, ये जो 1.44 है इसका आपको आईटीसी मिलता है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट हाँ अभी देखिए, जो अभी 12 रुपए का यहां से निकला, तो क्या 12 रुपए का निकला? नहीं, ये निकला आपका 13.44 का। तो जीएसटी लगने से क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बढ़ रहा है, चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर जीएसटी लग रहा है तो। ठीक है, प्रमोट्स वेलफेयर, कैसे, द हार्मफुल और सिन प्रोडक्ट्स लाइक एल्कोहल टोबैको एटसेट्रा मे बी टैक्स एट अ हायर रेट। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जो ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, एल्कोहल टोबैको सिगरेट्स जो होती है हमारी, इस पे जीएसटी हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे कि सर अल्कोहल पे तो जीएसटी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर और ज्यादा अलग टैक्सेस है, एक्साइज ड्यूटी लगती है उसके ऊपर, उसके ऊपर वैट लगता है आपका, और वो भी एट अ हायर रेट लगता है आपका। ठीक है, आपका एक्साइज ड्यूटी लगती है, आपका वैट लगता है, दोनों लग रहे होते हैं बेटा वहां पे। तो क्या होता है, सरकार ना इन चीजों पे जीएसटी का रेट या टैक्स रेट ज्यादा कर देती है, ताकि लोग चीजें चीजें महंगी हो जाएं और लोग कम खरीदें। तो इससे क्या होगा, अगर लोग इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो सरकार जीएसटी के प्राइस बढ़ा करके एक वेलफेयर का काम भी करती है। ठीक है, सरकार का ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, ये सरकार का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। कैसे, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द टोटल टैक्स रेवेन्यू इज मोर देन 50%। अगर सरकार के पास 100 रुपए का टैक्स आता है, टैक्स की बात कर रहा हूं, 100 रुपए का टैक्स आ रहा है, तो मान के चलिए आप 50 रुपए प्लस, 50 तो नहीं बोलूंगा, 50+ रुपीज सिर्फ यहीं से आ रहे हैं जीएसटी से। फिर आपका इनकम टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, वैट होता है जो अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसके ऊपर, या कस्टम ड्यूटी हो गया आपका। ठीक है, वो सब मिला करके भी 50 नहीं बनते हैं, अकेला जीएसटी से 50 से ज्यादा रेवेन्यू आता सरकार का। तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मोर देन 50% का रेवेन्यू आपका सरकार का जीएसटी से आता है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। छोटा सा एग्जांपल देखें बेटा, छोटा सा एग्जांपल देखें क्या बेटा, बताइए बेटा प्लीज। बेटा एग्जांपल देखें पहले ये वाला, हम रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव बाद में बात कर लेंगे। ठीक है बेटा, पढ़िए, देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस डिटरमिन द टाइप ऑफ जीएसटी लेवेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब बेटा ध्यान से पढ़ना और बताना कि यहाँ पे आई लगेगा, सी लगेगा या एस लगेगा, आप मुझे बताइए। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है मिस्टर शिव ऑफ पंजाब सप्लाइड गुड्स टू मिस्टर विनोद ऑफ पंजाब। एग्जाम आंसर मत देखना, आप मुझे बताइए सबसे पहली चीज, क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, बताइए जल्दी बताइए बेटा, इज इट अ इंटर स्टेट सप्लाई और अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, फर्स्ट दिस इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई। आयुषी चौधरी ने बोला है आईजीएसटी लगेगा, तेजस्व ने बोला है इंट्रा स्टेट, एक बच्चे ने और बोला। अच्छा, तो बेटा ध्यान से सुनिए, ये हमारा है इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब पंजाब से सामान पंजाब में ही बेचा गया है, तो आपका सी प्लस एस लगेगा। ध्यान से देखिए टेबल में, आपका सी प्लस एस लगेगा, क्योंकि पंजाब से सामान पंजाब में ही बेचा गया। ठीक है, आगे चलते हैं, रमन ऑफ कश्मीर प्रोवाइडेड सर्विसेज टू श्याम ऑफ दिल्ली। अब कहां पे हो गई बात, कश्मीर से
दिल्ली में कहानी आ गई। अब यहाँ पे बताइए इंट्रा है या इंटर है, बताइए बेटा। तनिष्का ने बोला सी प्लस एस। बेटा नया एग्जाम्पल जा चुका है, आप नए का आंसर दे रहे हैं पुराने का आंसर दे रहे हैं। इंटर यूटी। इंटर आईजीएसटी। इंटर स्टेट सर्विस। आईजीएसटी लगेगा। ठीक है बेटा बिल्कुल सही, ये हमारा है इंटर स्टेट सप्लाई, तो यहां पे आपका आई लगेगा, आईजीएसटी। ठीक है बेटा अगला क्या है। जानकी ऑफ जयपुर सप्लाइड गुड्स टू मिस्टर क्रूज ऑफ जयपुर। जयपुर से जयपुर में जा रहा है बेटा, फर्क नहीं पड़ता, जानकी ने क्रूज है कौन, आदमी से फर्क नहीं पड़ता, स्टेट से फर्क पड़ता है। तो जयपुर से जयपुर में है तो आपका सी प्लस एस आ गया बेटा। ठीक है। पंकज सप्लाइड गुड्स फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान। इसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है, राजस्थान में है, टू सुरेंद्र ऑफ चंडीगढ़। ये राजस्थान अलग है, चंडीगढ़ अलग है बेटा, तो आपका क्या आ जाएगा, इन पंकज सप्लाइड गुड्स फ्रॉम हिज प्लेस टू राजस्थान टू सुरेंद्र ऑफ चंडीगढ़। तो बेटा यहाँ पे क्या लगेगा आपका, पंकज ने चंडीगढ़ राजस्थान चंडीगढ़ में दिया, यहाँ पे आपका आईजीएसटी लग जाएगा बेटा आपका। ठीक है। इधर आपका क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। नेक्स्ट क्या है, मिस काजोल सोल्ड गुड्स टू रानी, दे बोथ लिव इन स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पे आपका बेटा सी सी प्लस एस आ गया। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें। बेटा कोई डाउट है इसमें, बताइए बेटा कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी बताइए। नो 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 नो, क्लियर सर, क्लियर क्लियर, नो नो अभिराज, अच्छा, नो सर। यूटी जीएसटी का एग्जाम्पल बेटा, जैसे यूटी जीएसटी कब लगेगा, जब चंडीगढ़ से सामान चंडीगढ़ में बेचा जाएगा या दिल्ली से सामान दिल्ली में बेचा जाएगा, तो क्या लगेगा, सी प्लस यू लगेगा। क्या लगेगा, सी प्लस यू। सर अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं इंटर स्टेट टू इंटरनेट स्टेट सप्लाई बोलते हैं, या इंटर स्टेट सप्लाई। बेटा देखो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। अगर सर्विसेज गुजरात से उत्तर प्रदेश में दी जा रही हैं, गुजरात से उत्तर प्रदेश में, तो इंटर स्टेट ही रहेगी, फर्क नहीं पड़ता वो गुड्स है या सर्विसेज है। ठीक है अमित, इट डजेंट मैटर वेदर इट इज अ गुड्स और सर्विसेज, इफ इट इज फ्रॉम वन स्टेट टू डिफरेंट स्टेट इट विल ऑलवेज टर्म्ड एज अ इंटर स्टेट, इफ इट इज विद इन द स्टेट दिस विल बी टर्म्ड एज अ इंट्रा स्टेट। क्लियर। बिल्कुल बेटा प्रीति, यूटी के लिए यूटी जीएसटी लगता है। बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर हम आज की क्लास को आज रैपअप करते हैं, क्योंकि ये ना हो कि आप पहली क्लास में थोड़ा बाउंसर आ जाए आपके ऊपर। ठीक है। तो ये बेटा हमारा सारा का सारा था हमारा जीएसटी का कॉन्सेप्ट, कि ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, कहाँ से पावर्स आ रही हैं, जीएसटी का मतलब क्या है, क्या आई है, क्या सी है, क्या एस है, क्या यू है, कितने टैक्सेस हैं, कब लगाया गया, क्या 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 लाइक जर्नी रही इसकी। ठीक है। ये सारी चीजें कैसे कैसे रही हैं आपकी, ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी। ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक नई चीज बता देता हूँ, ये आप देख लीजिए।
कि मेरे कितने टैक्सेस जो थे वो सारे के सारे जीएसटी में सबस्यूम्ड कर दिए गए। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, मेरा सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये कुछ एक बड़े नाम है जो मेरे जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिए गए। ठीक है, ये कुछ बड़े नाम है मेरे जो इसमें मर्ज कर दिए गए थे। ठीक है, तो बेटा अभी जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे डिटेल में बात करें तो ये सारे वो टैक्सेस हैं जो सेंट्रल लेवल पे ये थे, स्टेट लेवल पे ये थे, जो मेरे सारे खत्म कर दिए गए। पर ध्यान रखना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पे अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और वैट लगता है। ठीक है बेटा, इस पे भी हम बात कर ही लेते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी कौन से टैक्सेस हैं जो मेरे अभी मर्ज नहीं हुए? जैसे मैंने क्या बोला, सेंट्रल लेवल पे मेरा क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो हम अलग से पढ़ेंगे, आरएनडी सेस जो है मेरा उस पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्डिंग ड्यूटी, ये सारे के सारे हम कहाँ पढ़ेंगे, कस्टम के अंदर। इनका इनका मतलब क्या है? स्टेट लेवल पे बात करें, स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो अल्कोहल प्रोडक्ट पे लगती है, स्टैम्प ड्यूटी अभी भी हम अलग से सरकार को पे कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल टैक्स अभी खत्म नहीं हुआ है और मोटर व्हीकल टैक्स अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये वाले सारे हमारे, बेटा मैं बुक्स का आपको मैसेज करवा दूंगा सारे बच्चों को कि कौन सी बुक्स आपने लेनी है, आगे से आपको दिखा देता हूँ अगर कोई नीचे अवेलेबल है कि किस ऑथर की बुक लेनी है। एक सेकेंड, ठीक है बेटा मैं वही आपको बता देता हूँ बुक मंगवा करके। ठीक है, ये टैक्सेस हमारे अभी भी मर्ज नहीं हुए हैं बेटा। ठीक है, दूसरा आप कह रहे हो कि अल्कोहल पे जीएसटी क्यों नहीं लगता? बेटा अल्कोहल पे जीएसटी इसलिए नहीं लगता क्योंकि सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी परमिशन नहीं दी सेंट्रल को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। ठीक है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें एग्रीमेंट, मतलब रजामंदी नहीं बन पाई कि इस पे जीएसटी लगे, तो इसलिए इस पे भी नहीं लगता है। ये भी एक आंसर है बेटा कि सर उस पे ज्यादा टैक्स इसलिए लगाती है क्योंकि देखो बेटा अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, आप कितना भी टैक्स लगा लो लोग उसको कंज्यूम करेंगे करेंगे। ठीक है, जैसे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी बात कर लो, वो कितना भी महंगा हो जाए लोग उसका इस्तेमाल करेंगे करेंगे क्योंकि लोगों की जरूरत बन चुकी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सिमिलरली अल्कोहल प्रोडक्ट्स भी बेटा लोग पियेंगे पियेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि कितनी महंगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, लोग उसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि मेरा मेजर रेवेन्यू लॉस होगा, इसलिए सरकार है उसको अभी भी इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाया है कि इसको मर्ज किया जाए। ठीक है, ये रीजन है बेटा। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? क्लियर? तो बेटा ये हमारा पूरा बेसिक था जीएसटी का कि कैसे कैसे चीजें, कैसे कैसे चीजें इसमें ड्राइव हुई, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कहाँ से क्या स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। बेटा जीएसटी एप्लीकेबल सब्स्यूम्ड मतलब होता है बेटा मर्ज कर दिया गया है, फिर उनको बोलिए उसमें मिला दिया गया, दिस इज द मीनिंग ऑफ सब्स्यूम्ड। अंजलि, ठीक है बेटा। अब बेटा जैसे अब जीएसटी करना है तो जीएसटी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तो सर फिर तो टोबैको पे भी टैक्स नहीं लेना चाहिए। बेटा टोबैको पे जीएसटी नहीं लगता,
वैट लगता है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो बेटा जैसे जीएसटी में आने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप स्कूल में गए किसी, आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्या होता है, आपका एडमिशन होता है, एडमिशन होता है, एडमिशन के लिए कुछ फीस होती है, कुछ स्कूलों में होती है, कुछ स्कूलों में नहीं होती है, ठीक है, दोनों चीजें होती हैं। उसके बाद आपको एक रोल नंबर दे दिया जाता है, मतलब रोल नंबर दे दिया जाता है कि जिस भी क्लास में आप जा रहे हैं, या फिर स्कूल की बात ले लीजिए या फिर कॉलेज की बात ले लीजिए, एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद आपको एक रोल नंबर दे दिया जाएगा। उसी तरीके से बेटा जीएसटी में भी होगा, जीएसटी में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन करवाएगा, किसको करवाना है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हम इसमें होता है, व्हेन, हु, हाउ, इन सवालों का जवाब हम इस चैप्टर के अंदर ढूंढेंगे। ठीक है बेटा, कि रजिस्ट्रेशन में कौन कब करवाना है, कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, और फिर यहां पे भी हम ढूंढेंगे वेयर, इन सारे सवालों का जवाब हम इस चैप्टर के अंदर ढूंढेंगे बेटा। ठीक है, तो ये हम बेटा आप कल कवर करेंगे कि रजिस्ट्रेशन का चैप्टर की चीजें कैसे कैसे मूव आउट करेंगे। ठीक है, डाउट बेटा बता दीजिए। ठीक है, तो बेटा क्लास जो आपको बुक्स जो बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक लेनी है, सो बेटा बुक है बाय CAKM बंसल, ये बुक है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा जहां से आप बाय कर सकते हैं। ये है ऑथर CAKM बंसल, ठीक है, टैक्स मैन का है ये आप बाय कर सकते हैं। हाँ बेटा वो भी मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। ठीक है बेटा, कल हम मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ, विच इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। वहां पे हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, किस किस को कराना होता है और कैसे होता है वो। ठीक है बेटा, तब तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, राधे राधे। हाँ जी बेटा, ठीक है जी, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।